बागेश्वर धामना पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री फरी एक वखत अमदावादना मेहमान बन्या छे। अमदावादना हाथीजण पासे 3 दिवसीय कार्यक्रमनुं आयोजन करवामां आव्युं छे। त्यारे बाबा बागेश्वरे अमदावादमां हनुमंत कथा पहोंचतानी साथे ज मीडिया साथे वातचीत करीने अलग अलग मुद्दा उपर पोतानी प्रतिक्रिया आपी हती। अंबाजीमां दिव्य दरबार अने हनुमंत कथा पूर्ण कर्या बाद तेओ सीधा ज पोरबंदर पहोंच्या हता अने त्यां कथाकार रमेश ओझानी साथे पण मुलाकात करी हती। जे बाद तेओए हाथीजण में सिद्ध बागेश्वर मैदान खाते पहुंचा था और अयोध्या में तैयार थई रहेला राम मंदिर उद्घाटन में पण तेओ जशे तेवी तेओए वात करी हती। अने साथे ज स्वामीनारायण संप्रदायना संतो द्वारा सारंगपुर में हनुमानजी दादानी जे प्रतिकृति मूकवामां आवी हती ते बाबतने लईने पण पोताना मंतव्यो रजू कर्या हता। जात-पात का दोड़ो ना था, जातिवाद से ऊपर उठ करके देखो 100 का नोट के 4 टुकड़े किए जाए, एक टुकड़े को दिया जाए तो वो 25 रुपए पर नहीं चलेगा, वो तभी चलेगा जब 100 के नोट में जुड़ा होगा। उसी प्रकार सभी वर्णों के अपनी व्यवस्था में रहो, लेकिन जात-पात का नाता तोड़ करके एक साथ बैठो, तभी भारत हिंदू राष्ट्र होगा और सनातन की रक्षा होगी। करना चाहिए, बेचारे बच्चे हैं अपने। संतों ने काफी आलोचना की, संतों ने काफी किसी की, हम किसी महात्मा की बात पर तो नहीं बोल सकते, लेकिन कोई अपने घर पर आए तो हमारा सनातन कहता है अतिथि देवो भवा। अतिथि देवो भवा की भूमि है भारत, और अगर वो स्टेडियम में जो नारे गूंजे थे, जय श्री राम के नारे गूंजे थे, और पाकिस्तान भारत में नहीं गूंजेंगे वेस्टर्न डीज में, खास करके विरोध। भारत में अगर जय श्री राम के नारे नहीं गूंजेंगे तो क्या वेस्टर्न डीज में गूंजेंगे? अपने बाप का देश है, गूंजना चाहिए। लेकिन आपके आने के बाद में ये काफी लाइमलाइट में आया है, तो इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से इस चीज हमने अपने कार्य अभियान या उपलब्धि लाइमलाइट के लिए नहीं की, हिंदुत्व के लिए की, शायद इसलिए प्रखरता और निखरता के साथ आगे बढ़ रहा है। लाइमलाइट के लिए जो किया जाएगा वो केवल मीडिया तक सीमित रह जाएगा। वास्तविक हिंदू जगाने के लिए जो किया जाएगा वो भारत के कोने कोने में। आपने कहा है कि सनातनियों को 3 से 4 बच्चे होने चाहिए। आपने हाँ, क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जब किसी के 12 हो सकते हैं तो अपने 3-4 में क्या दिक्कत? नहीं तो समान हो। शास्त्री जी, सरकार बोलती है कि हमारी शादी नहीं हुई। शास्त्री जी, जहाँ तिलक लगा करके गोमूत्र डाल करके नहीं, बहुत अच्छा है, हमने पहल की है, फुल सपोर्ट है। और गरबा में तो जो एंट्री वाला डोर हो वहाँ गंगा जल रखना चाहिए, प्रत्येक को पिलाना चाहिए, और अब बहुत हो गया भाईचारा, बहनचारा भी होना चाहिए। अहमदाबाद में शास्त्री जी, तो आप अयोध्या जाने वाले हैं जब ये श्री राम जी को प्रणाम करने जाएंगे? कल अहमदाबाद में भी एक जगह पे हुआ है गरबा, कथा करें, गरबा के दर्शन करें। हाँ, आयोजन आपकी उसमें उपस्थिति रहना। शास्त्री जी, 3 दिन बाद हम पंजाब में पठानकोट जाएंगे, और हमारे जीवन का यह प्रथम बार नवरात्र है। गुजरात के 52 तीर्थयात्रा शक्तिपीठों में अंबाजी से नवरात्र प्रारंभ हुआ, और एक और दिव्य शक्तिपीठ माता वैष्णो देवी के चरणों में विराम। बाबा जी, एक तरफ आप सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, फैलाने के प्रयास कर रहे हैं, और भारत देश के जो युवा है वो विदेशी कल्चर को अपनाना चाहते हैं, और विदेश के जो लोग हैं वो सनातन धर्म को अपनाना चाहते हैं, उसके बारे में क्या कहें? ये देश का दुर्भाग्य है। देखो भाई, अक्सर उनकी ट्रेन निकल जाया करती है जिनके मकान रेलवे स्टेशन के नज़दीक हो। ये भारतीय लोगों की ट्रेन इसलिए निकल रही है, और विदेशियों को पता है कि सनातन में क्या ताकत है। लेकिन अब भारत का युवा भी जाग रहा, भारत का हिंदू भी जाग रहा, और भारत हिंदू राष्ट्र भी घोषित होकर के रहे। अभी जो सनातन धर्म की बात करते हुए साधु इकट्ठे हुए हैं, एक गठन भी हुआ है, वो आने वाले दिनों में जो स्वामीनारायण संप्रदाय की बात हुई है उनके बारे में बोर्ड बनाने की तैयारी है, उनको किस तरह से देख रहे हैं आप? क्या अब हम उस बैठक में तो थे नहीं, उसका हमें पूरा पता नहीं, कह नहीं सकते किस आधार पर यह निर्णय लिया गया है, पर सनातन के पक्ष में हमारे एक साथ हर व्यक्ति को। आप गुजरात आए शास्त्री जी, उसके पहले यहाँ बहुत कुछ धीरे धीरे भगवान की कृपा है कि हिंदू समय पर जाग गए, और उसके परिणामतः ये सामने आ रहे हैं, और धीरे धीरे इनके सब सिस्टम बंद होने वाले हैं, और धर्म विरोधियों की ठटरी और गठरी दोनों बंद हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हलचल है, युद्ध चल रहा है, इसराइल और वहाँ पर भी आप देख रहे हैं, सब पूरे परिदृश्य को आप कितना बदलते हैं, कैसे देखिए जो हमास वाला युग अगर आप कहें तो ये पूरे विश्व के लिए एक संकेत है कि अपने देश में ना हो जाए, इसलिए पहले ही सावधान हो। अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने बच्चन साहब को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आने का न्योता दिया है, धीरेन्द्र शास्त्री कब जाएंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी? अच्छा शास्त्री जी बात करेंगे तो शास्त्री जी श्री सीताराम भगवान की जय। बागेश्वर पहली बार जो है जब आए थे गुजरात तब 2-3 शहरों में गए थे, लेकिन अहमदाबाद में कम रुके। मन में भाव था कि ज़्यादा दिनों को शुरू करके भगवत चर्चा और सनातन का प्रचार करें, तो शिव कृपा मित्र मंडल के तत्वावधान में इस कथा के मुख्य यजमान श्री देवी महात्मा पर 3 दिवसीय चर्चा में श्री कमलाकर यजमान जी के द्वारा यह 3 दिवसीय महामहोत्सव करवाया जा रहा है। इस बार आप नवरात्रि में गरबा में भी आप शामिल होने वाले हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? गुजरात एक ऐसा प्रदेश है जहाँ भक्ति हमेशा नृत्य करती है। वर्तमान में नवरात्रि का पावन पर्व गुजरात के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए जो है गुजरात के पावन पर्व पर गरबा का बड़ा महत्व है। खासकर गुजरात की पावन धरती पर हम सम्मिलित होंगे, आनंद लेंगे और गुजराती, हम भी गुजराती हैं। अरे बाबा जैसे बाबा आप आए हैं और बाबा के कहने से थोड़ा क्या होता है कि तकलीफ आपको होता है बाबा कहने से, क्योंकि आप खुद बताए हुए हैं, तो उसका एक अपना आपको बताइए कि बाबा को नहीं कहना चाहिए और शास्त्री। हमने कोई साधु की लंगोटी नहीं है, हमने कोई चमीटा नहीं लिया, हमने संन्यास नहीं लिया। हम जैसे साधारण मानव आप हैं वैसे हम साधारण मानव, इसलिए हम किसी भी उपाधि पर भरोसा नहीं करते। हम सनातनी हैं, महाराज जी कह सकते या गुरु जी कह सकते या जो आपका भाव लगे, इसलिए बाबा से हमें थोड़ा सा परहेज। बाबा नवरात्रि में बाबा का पर्व है, देवी शक्ति का ध्यान कैसे करो? भगवती देवी की आराधना देखो, प्रतिमा में माँ के दर्शन नहीं करना चाहिए। हमारे गुजरातियों पर, गुजरात में रहने वाले सभी सनातनियों से प्रार्थना है, प्रतिमा में परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे, प्रतिमा में माँ के दर्शन। देखिए बहुत एक बड़ा विवाद पहले भी चला था सनातनियों अक्षरधाम के बीच में, जहाँ पे सारंगपुर में भित्ति चित्र में कुछ ऐसा दर्शाया गया, उसके बाद उसे हटाया गया, जहाँ हनुमान जी खुद बैठे हुए हैं स्वामीनारायण भगवान के सामने। वो विवाद अभी भी थमा नहीं है, साहित्य और क्या एक बतौर सनातनी कैसे देखते हैं? देखो कभी भी हो अपने गुरु या अपने आराध्य की महिमा तो गानी चाहिए, पर किसी को नीचा दिखा करके नहीं बतानी चाहिए। ये दुर्भाग्य है और ये निंदनीय है। ऐसा किसी भी धर्म समुदाय या धर्म को मानने वाले, मजहब को मानने वाले या पंथ को मानने वाले अथवा गुरु पद्धति को मानने वाले लोगों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और हमारा नारायण स्वामी संप्रदाय के सभी अनुयायियों से प्रार्थना है इस प्रकार के कार्यों पर तुरंत रोक लगावें और कभी पुनरावृत्ति न करें। जी आपके जैसी कोई बहन जी हमें बुलाएंगी, हम तो 2025 में भी आएंगे, 26 में भी आएंगे। बाबा रमेश भाई ओझा से भी मिलके आए हैं, क्या क्या बात है उनसे, क्या मुलाकात में क्या चर्चा? बहुत अच्छा लगा, पहली बार हम पोरबंदर गए हैं अपने जीवन काल में और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की वह जन्मभूमि है और शांतिपनी आश्रम में जाकर के जो आनंद की अनुभूति हुई वो अद्भुत थी। भाई श्री जी का स्वभाव बड़ा प्यारा था, वहाँ जाकर के एक नई चीज़ सीख करके आए हैं सनातनियों के लिए और बस सनातन पर चर्चा हुई, आमंत्रण दिया, जो एक साधु की परंपरा होती है उसका निर्माण। शास्त्री जी राम प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है 24 जनवरी तारीख और मुहूर्त भी आ चुका है 11:30 से 12:30। आप जाएंगे वहाँ? उसके बाद देश में देखो राम मंदिर सनातनियों की अब तक की सबसे बड़ी जीत है और भगवान श्री राम के विराजमान होने पर निश्चित रूप से पूरे विश्व में रहने वाले सभी सनातनी गौरवान्वित होंगे। उसके बाद हमें ये लग रहा है कि अब फिर काशी वाला भी जल्दी मैटर निपट जाएगा, मथुरा वाला तो फ्री होने वाला। हमारा तमाम अपडेट्स मेळवा माटे जोता रहो डीपी न्यूज गुजराती। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।